दिस ऑडिबल सीरीज आई टेल यू हैज बिकम द टॉक ऑफ द टाउन. हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, और क्यों ना हो भैया, एंटरटेनमेंट जगत का जो बड़ा नाम है वो इसके साथ लिंक्ड है. तो आज मुलाकात करते हैं सैफ अली खान से, क्योंकि वो भी नजर, मेरा मतलब है, सुनाई देंगे आपको इन ऑडिबल सीरीज में. आप अब स्टार लॉर्ड की भूमिका में नजर सुनाई देंगे. बचपन से कॉमिक्स बुक पढ़ते आ रहा हूँ, तो बहुत से कैरेक्टर्स हैं. मैंने टू मच वर्क स्पेंड किया कॉमिक्स बुक पढ़ते हुए बचपन में. मेरे पिताजी नाराज होते थे. जंगल के कहानियाँ, शेर, भोपाल की कहानियों में शेर इज प्रोमिनेंट, वेरी प्रोमिनेंट. हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि जैन और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने अभिनेता सैफ अली खान, ब्रजेश शेर जी और अनुषा विश्वास, जो नजर आएंगे मार्वल और ऑडिबल की ओरिजिनल ऑडियो सीरीज में जिसका नाम है वेस्टलैंडर्स. बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का. सैफ, दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहला मौका है शायद आपके लिए कि जब आप ऑडियो सीरीज के लिए आपने पहले किया. बहुत एक्साइटिंग था, और एक तरीके से सोचा जाए तो हमारे जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी एक्साइटेड थे कि इस यूनिवर्स में मैं अपनी आवाज़ दे रहा हूँ एक ऐसे कैरेक्टर के लिए. जिन लोगों ने पहले डबिंग की है, अंग्रेजी में भी डबिंग की है, इतनी अच्छी आवाज़ है उनकी, तो एक अलग अलग सा जॉब था, एक अलग चैलेंज था. हमारे जो डायरेक्टर थे मंत्रा जी ने बहुत हेल्प की हमारी, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है ऑडियो की दुनिया में. मैं अवतरित ही इस रोल के लिए हुआ, पर खैर, आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज कही जब सैफ साहब से आप सवाल पूछ रहे थे कि आप अब स्टार लॉर्ड की भूमिका में नजर सुनाई देंगे. तो हमारा हेतु जो है, हमारा जो लक्ष्य है ना, वो यही है. मैं ये सीरीज करते हुए पूरी तरह से समझाऊं. सबसे टफेस्ट पार्ट आपके लिए क्या? नहीं, आई डोंट थिंक, थोड़ा अलग था क्योंकि एक्टिंग करते वक्त काफ़ी, मतलब, एड्स होते हैं, काफ़ी तरीके होते हैं कुछ कम्युनिकेट करने के लिए. कभी यू नो, एक जेस्चर भी आप कर सकते हैं. यहाँ सिर्फ आवाज़ और एक अच्छी आवाज़ की ज़रूरत होती है, उसको इंटरेस्टिंग बनाना. लोग जब आंखें बंद करते हैं तो वो इमेजिन कर सकते हैं, हल्की हल्की चीज़. तो एक अलग एक्सपीरियंस था, और मेरे हिसाब से मैंने कुछ सीखा. इसके इमेज के बाद मैंने अपनी फिल्म आदि पुरुष कर दी, वो लोग बहुत खुश थे. जल्दी खत्म हो गया. आई वाज वेल ट्रेन्ड, इट वाज ग्रेट. आपसे कलेक्टर का किरदार इसमें निभा रहे हैं, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे इस एक्सपीरियंस के बारे में और अपने किरदार के बारे में? कलेक्टर बहुत ही पावरफुल एक रोल है, और इसमें मजा आया. मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती, बट ये बोल सकती हूँ कि मैं बेशकीमती आर्टिफैक्ट्स को कलेक्ट करती हूँ. तो जी, और स्टार लॉर्ड और रॉकेट रकून को मैं कुछ मिशन में भेज रही हूँ, तो इतना ही कह सकती हूँ मैं. सिर्फ चूंकि ये मार्वल सीरीज है और सुपर हीरो से रिलेटेड सीरीज है, और आप पीटर क्विल का किरदार इसमें निभा रहे हैं, तो क्या ऐसा कह सकते हैं पीटर क्विल के आप बहुत बड़े फैन हैं? बहुत सारे हैं, मैं बचपन से कॉमिक्स बुक पढ़ते आ रहा हूँ, तो बहुत से कैरेक्टर्स हैं. मैंने टू मच वर्क स्पेंड किया कॉमिक्स बुक पढ़ते हुए बचपन में. मेरे पिताजी नाराज होते थे. डू सम वर्क, आई स्टिल लव कॉमिक्स. अभी करीना कपूर का इंटरव्यू में कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि सैफ भी इस सीरीज में अपनी आवाज दे रहे हैं, तो क्या आप ऐसा सोचते हैं कि अगर सैफ को कोई किरदार निभाने का मौका मिले फिल्मों में सुपर हीरो से रिलेटेड, तो वो कौन सा किरदार होना चाहिए? तो उन्होंने वुल्वरिन का नाम लिया. उन्होंने बोला वुल्वरिन बहुत नाइस इफ योर वाइफ सेज दैट रादर देन समथिंग एल्स लाइक 80s में भी सबके घरों में टेलीविजन नहीं होते थे. आप लोग क्या सुनते हुए बड़े हुए? गाने हम बहुत सुनते थे रेडियो पर. संडे दोपहर को क्रिकेट विद विजय मर्चेंट, वो मैं जरूर सुनता था. हमारे यहाँ दर्जी थे भोपाल में, तो वो मैं उनको रिक्वेस्ट करता था, तो वो मुझे सुलाने आते थे रात को.
और एक कहानी सुनाते थे बहुत समथिंग बहुत अच्छी आवाज थी. सो आई ग्रू अप लिसनिंग टू हमारे पास टीवी नहीं था. माय फादर डिडंट वेरी स्लो वेरी स्लो टू विद टेक्नोलॉजी. अच्छा सो ऑडियो स्टोरीज तो उनसे आपने स्टोरी मेरी आया थी वो मुझे कहानियां सुनाती थी. अच्छा वेरी इंटरेस्टिंग. जंगल के कहानियां शेर भोपाल की कहानियों में शेर इज प्रोमिनेंट या वेरी प्रोमिनेंट जंगल का इलाका. एबीपी न्यूज से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.